अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे बने हैं तो जब जब केजरीवाल, उनकी वाइफ या उनका कोई मंत्री बीमार हुआ, अभी राघव चड्ढा बीमार हुए, आंखों का ट्रीटमेंट कराने अमेरिका गए हैं, जहां भी गए हैं, लंदन गए हैं, तो अगर इतना हाई स्टैंडर्ड उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ सेट किया था तो यहां क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराते। मार्गो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें सिखाया है, यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का मान सम्मान होती है, पूजा होती है, वहीं देवता वास करते हैं। केजरीवाल ने आंदोलन शुरू करा रामलीला मैदान से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और इन सभी पार्टियों को गाली देता था वो, अन्ना जी का यूज करके उसने आंदोलन खड़ा किया। केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया, केजरीवाल के बाद अगर कोई उस पार्टी का मुखिया बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगी तो सुनीता केजरीवाल बनेगी, यही तो परिवारवाद है। सर, अभी जो दिल्ली की अगर बात की जाए, देश भर की नजरें हैं, चुनावी माहौल है, अरविंद केजरीवाल बाकी विपक्षी नेता बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि दिल्ली की 700 सीटें हम जीतेंगे और 300 सीटें विपक्ष जीतने जा रहा है इस चुनाव में। विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरविंद केजरीवाल कुल 22 सीट लड़ रहे हैं, कांग्रेस कुल 230 सीट लड़ रही है, ममता बनर्जी ने दोनों में से किसी को एक भी सीट पश्चिम बंगाल में नहीं दी, अखिलेश यादव ने कुल 17 सीट कांग्रेस, पंजाब में अलग अलग, दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अभी इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, जीतेंगे कितनी ये पता नहीं है। देखो, दिल्ली में तो एक भी आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, और रही पंजाब की भी दिल्ली को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं है कॉन्फिडेंस, जो है ना अकेले ओखला के बेस पे वो चल रहे हैं। ओखला से जितना बीजेपी डाउन जाएगी, वो यहाँ विश्वासनगर और कृष्णानगर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी पोटेंशियल है पटपड़गंज में कि वो अकेली पूरा कर लेगी। पटपड़गंज सिसोदिया रहे हैं जी, पिछली बार भी पटपड़गंज में जब गौतम गंभीर लड़े थे तो लगभग 58 या 60 हज़ार से हम वो जीते थे, तो जो ओखला नुकसान होगा वो तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा कर देगी। 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जीतेंगे, एक पे हारेंगे, एक पे बराबर जाएंगे, और एक पे फाइट है, योगी जी की सभा हो गई है वहाँ कोंडली, और MLA वहीं के हैं, ये कुलदीप कुमार, पानी घर घर पहुंचा नहीं है, एक भी स्कूल एक भी कॉलेज बना नहीं है। उसके दूसरी तरफ मोदी जी की जो गारंटी काम कर रही है उसका लाभ हमें मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं हर महीने, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए 11 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, इतना लंबा रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी का गुड गवर्नेंस का, गुजरात को लें या 10 वर्ष का यहाँ पर लें, कोई भी अलायंस कहीं भी यहाँ हमारे सामने टिकता नहीं है। अब ये झूठे फॉल्स प्रोपेगेंडा करते रहे पिछली, आम आदमी पार्टी रोज ये कैंपेन चला रही है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो महिलाओं को जो फ्री बस सेवा मिलती है वो बंद हो जाएगी, जो फ्री बिजली पानी मिलता है वो बंद हो जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं हमने लोगों की सुविधा के लिए वो बंद हो जाएंगे, ये पूरा कैंपेन आम आदमी पार्टी अभी चला रही है। देखिए, कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक बंद ही हो गए थे और मोहल्ला क्लिनिक से बड़ी मात्रा में कोरोना फैला, मोहल्ला क्लिनिक में केवल टेस्ट हो रहे हैं, वो भी वहाँ कराना नहीं चाहता व्यक्ति, हॉस्पिटल आप जाओगे जब सरकारी हॉस्पिटल में तो वो मैंडेटरी करते हैं कि आप टेस्ट वहाँ से कराओ, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। बहुत सारी जगह सरकारी जगहों पर बनाए हैं, 2-3 मोहल्ला क्लिनिक उनके ठीक है, बाकी सब बेकार हैं, अच्छे नहीं बने हुए, कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। दूसरा, अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे बने हैं तो जब जब केजरीवाल, उनकी वाइफ या उनका कोई मंत्री बीमार हुआ, अभी राघव चड्ढा बीमार हुए, आंखों का ट्रीटमेंट कराने अमेरिका गए हैं या जहाँ भी गए हैं, लंदन गए हैं, तो अगर इतना हाई स्टैंडर्ड उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ सेट किया था तो यहाँ क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराते। दूसरा, केजरीवाल तो केवल घोषणाएँ करते हैं, बसों की बात आपने की, आज दिल्ली को 11,000 बसेस की जरूरत है, 2,500 बसेस चल रही हैं, बाकी सब कबाड़ में चली गई, इन्होंने मेंटेनेंस नहीं भरा उसका। 1650 बसें फेम योजना के तहत हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में इलेक्ट्रिक बसेस केंद्र सरकार ने दी, इन्होंने एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीदी अब तक, और आज आवश्यकता दिल्ली को 11,000 बसेस की, उसमें से कितनी महिलाएं ट्रैवल करेंगी, उसमें से मेट्रो का बेनिफिट तो है, अगर मेट्रो में आप महिलाओं को फ्री करो तो नो डाउट बेनिफिट है, लेकिन वहाँ फ्री नहीं है, जहाँ बसेज में दे रखा है वहाँ बसेज ही नहीं है, और कितना महिला करेंगी, कुछ 0.4% 0.5% होंगी, उसमें भी दूसरी तरफ महिलाओं को मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया, देश भर में नगर पालिकाओं में और नगर निगम में 50% का आरक्षण था, अब देश की हर विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, आरक्षण जब लागू होगा दिल्ली में तो 7 में से 2 महिलाओं को टिकट दे दी मोदी जी ने, बांसुरी स्वराज जी को और कमलजीत सहरावत जी को, अगला दिल्ली का 2025 का चुनाव होगा, इन लोगों को देखना है इनके पास महिलाएं कितनी हैं, लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, हमारा जो लगता है हमारे को 70 में से 20+ यहां से ही लोकसभा से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, और ज़रूरी इसलिए है कि जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, 2000
2013 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो 1800 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था जल बोर्ड, आज 80,000 करोड़ के घाटे में है। और बिजली पानी के बिल आई क्यों रहे, उनका था बिजली हाफ पानी माफ, लाखों रुपए पानी के बिल हैं। वो कह रहे हैं लोकसभा जिता दो सातों तो पानी माफ कर देंगे। माफ क्या करोगे, जब फ्री था, आपने फ्री कहा था ना, तो बिल आई क्यों रहे, जीरो बिल आने चाहिए। और दिल्ली जल बोर्ड तो वैसे ही केजरीवाल के पास है, लोकसभा का क्या लेना देना, कोई इन तथ्यों में उनके दम नहीं है। और दोनों पार्टी या इंडिया अलायंस जिस तरीके से कुछ ना कुछ कह देते हैं, स्वाति मालीवाल को अपने घर में पीट दिया, महिलाओं का कितना सम्मान कर रहे हैं, और पूरी आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट हो गई है, रिजाइन दो, इस्तीफा दो, बीजेपी का एजेंट तक बता। देखिए मीडिया के सूत्रों से हमें पता लगा है कि जमानत कराई अभिषेक मनु सिंघवी ने, और केजरीवाल जी की वाइफ ने उन्हें वादा कर रखा है राज्यसभा भेजने का। अब कोई इस्तीफा दे नहीं रहा था, उनको मारपीट करके इस्तीफा ले रहे थे, ऐसा सुना है मीडिया के माध्यम से। बाकी उनकी पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन किसी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें सिखाया है, यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का मान सम्मान होती है, पूजा होती है, वहीं देवता वास करते हैं। तो ये भारतवर्ष जो है दसियों हजार साल से हिंदू संस्कृति और सभ्यता की पहचान है, उसमें साल में दो बार नवरात्र आते हैं, हम छोटी छोटी कन्याओं का पैर छू के वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो ऐसी महिलाओं के अगर अपमान होगा, स्वाति मालीवाल ठीक है, विचारधारा अलग है, हमारी बहन है, उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। जैसे महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, केजरीवाल के जेल जाने के बाद तुरंत एक नेता उभर कर के सामने आता है, वो है सुनीता केजरीवाल। जहां भी विपक्ष की रैली होगी वहां सुनीता केजरीवाल भाषण देंगी, तो इसको कैसे आप देखते हैं कि एकदम सुनीता केजरीवाल को इतना जो पुश दिया जा रहा है, रोड शो पूर्वी दिल्ली में निकाला उसमें सुनीता केजरीवाल। हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी ये बताने में कि केजरीवाल भी इसी प्रकार का है। केजरीवाल ने आंदोलन शुरू करा रामलीला मैदान से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और इन सभी पार्टियों को गाली देता था वो, अन्ना जी का यूज़ करके उसने आंदोलन खड़ा किया। फिर इसी जगह पर उसने दोबारा आंदोलन करके इनके साथ गठबंधन किया और एक कुर्सी बीच में खाली छोड़ दी। भाभी ने भी बोला कि आत्मा भटक रही है। हम कहते थे लालू यादव की पार्टी में, मुलायम सिंह यादव की पार्टी में, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में, इन सब की पार्टी में, और कांग्रेस में परिवारवाद है। राहुल गांधी बनेंगे तो सोनिया गांधी बनेंगी, कि प्रियंका गांधी बनेंगे, कि राजीव गांधी बनेंगे। केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया, केजरीवाल के बाद अगर कोई उस पार्टी का मुखिया बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगी तो सुनीता केजरीवाल बनेगी। यही तो परिवारवाद है, यही तो हम कहते हैं। परिवारवाद क्या है, तो उदाहरण उन्होंने दे दिया, डेफिनेशन हम बता रहे हैं। बाकी जीत रही है मोदी सरकार या नहीं, क्योंकि विपक्ष तो एकदम कॉन्फिडेंट है, 300 सीटें। देखिए हम जमीन पे काम करते हैं, अगर मैं स्टेट वाइज भी बात करूं, 75 से ज्यादा सीट हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, दिल्ली में सातों जीत रहे हैं, गुजरात में एक भी नहीं हार रहे, मध्य प्रदेश में एक या दो सीटों पे फाइट है, राजस्थान में तीन सीटों पे फाइट है, तमिलनाडु की मैं बात करूं तो डीएमके के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वहां बनेगी, और 10-20% का वोट शेयर बीच में कहीं रहेगा अन्नामलाई जी और मोदी जी के नेतृत्व में। आंध्रा में, उड़ीसा में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। केरल में हमारा कोई खाता नहीं खुला हुआ है, इस बार ये भी चांस है एक या दो सीट हम केरल में जीत जाएंगे। वहाँ की जो क्रिश्चियंस पार्टी हैं उनका गठबंधन हमारे साथ है, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं, हमारी विचारधारा को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने वहाँ उन्हें इतना परेशान कर दिया है। जैसे कर्नाटक में चुनाव से चार दिन पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरक्षण लागू कर दिया और सारे मुस्लिम्स को अदर बैकवर्ड क्लास में डाल दिया, और ओबीसी का, एससी समाज का, एसटी समाज का, प्लस वनवासी बंधुओं का, और अपना इन सब लोगों का जब उनका आरक्षण को छीन के एक धर्म विशेष के आधार पर देने का काम किया, जो कि संविधान संवत भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कभी अलाउ नहीं करता कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, गैरकानूनी काम किया है। चुनाव के बाद कोर्ट जाएंगे तो वो तो रद्द हो ही जाएगा, लेकिन उनकी मानसिकता दिखाती है, जैसा कि सैम पित्रोदा जी ने बोला था कि वेल्थ टैक्स लगेगा, इनहेरिटेंट टैक्स होगा, अमेरिका में जैसा होता है 55% छीन लिया जाएगा, और अल्पसंख्यक मैन को गमंडी बताया था, नहीं अल्पसंख्यक को बांटा जाएगा, अल्पसंख्यक में भी विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों को बांटा जाएगा। तो उन्होंने उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो उनको बांटेंगे। चलो ये भी हम बड़ा करते हैं, चाहे अब अदानी हैं, अंबानी हैं, या कोई भी। अब ये सीए लोग तो किस लिए हैं, सीए तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और आम लोगों के सीए हैं, उनकी रिटर्न फाइल करते हैं। अगर कोई समूह 10,000 करोड़ रुपए का चल रहा है और उसमें से 5,500 करोड़ इकट्ठे निकाल के लोगों में बांट दिया जाएगा तो उन लोगों का तो क्या भला होगा, लेकिन वो फर्म जरूर डूब जाएगी जो 10,000 करोड़ की फर्म है, और वो जो हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, और अदानी अंबानी तक भी जाएँ 1,00,000 करोड़ की फर्म है, 55,000 करोड़ रुपये अगर उसके छीन लिए जाएंगे तो फर्म बर्बाद हो जाएगी, लाखों रोजगार, जो रोजगार लोगों को मिला हुआ वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो
विजन क्या है, विजन कैसा होना चाहिए। आज पूरा विश्व भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की विदेश नीति को और उनके नेतृत्व को सलाम कर रहा है। आज हमारे देश की नागरिक की जीवन की कीमत इतनी बढ़ गई है कि यूक्रेन युद्ध और रशिया युद्ध, मोदी जी के एक फोन पे दो दो घंटे के लिए युद्ध विराम होता है, और मेडिकल में पढ़ने वाले छात्र हों चाहे अरब कंट्रीज में पहले हमारी केरल की नर्सेज हों या कोई भी व्यक्ति हो, एक एक व्यक्ति की चिंता करके उनको वापस लाया जाता है। ये पहली बार हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है। कतर में देखा ना, 7 लोग कैसे छूट के आए, 8, और एक हमारे अभिनंदन जी पहुंच गए थे वहाँ पीओके में, तो उनको बोल दिया अगर वापस नहीं आए तो अटैक कर देंगे, तो वो सुरक्षित वापस आए। ये नेतृत्व दिखाता है। ये सब मुद्दे इस बार ये हैं, ये जनता वोट दे रही है। इस बार 370 से ज़्यादा सीट भाजपा की आएंगी और NDA अलायंस की कोई 425 तक जाएगी।